कल 5 जुलाई है और बुधवार है। 5 का अंक हो और बुधवार हो तो बड़ा बुधवार होता है, ये मैं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आप 5 का ये यंत्र बनाएंगे, यानी 5 5 5 5 5 आपको 5 बार लिखना है, किस तरीके से लिखना है ये मायने रखता है। अगर आप गलत तरीके से किसी भी जगह लिख देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अपने हाल चाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू आपको संपर्क करना पड़ता है। मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको लाभान्वित कर सकता है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करें, और ओम नमः शिवाय और जय माता दी आपको अवश्य ही प्रेषित करना चाहिए साथ में। मित्रों, 5 बार अगर 5 लिखा जाए तो ज़बरदस्त पावर उस अंक में हो जाती है, उस यंत्र में हो जाती है। तो आपको क्या लेना है, चेक की कॉपी लेनी है, चेक्स की यानी मैथ्स की कॉपी आती है, उसका एक पेज फाड़ लेना है और उसमें 4 खानों में 5 5 लिखना है और बीच में आपको फिर 5 लिखना है। ऐसा एक यंत्र टाइप तैयार कर लेना है और ये यंत्र आपको हरे कलर से लिखना है, क्योंकि हरा रंग बुध का होता है। इसको हरे रंग से लिखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। कल श्रावण मास का बुधवार है और श्रावण मास का बुधवार आपको तरक्की देता है, बरकत देता है और सब कुछ दे सकता है। आपके जीवन में रोज़ाना पैसे का आगमन होता रहेगा अगर ये यंत्र लिख कर आप इस स्थान पर रखेंगे। कैसे पूजा करनी है इस यंत्र की जान लीजिए। कल बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन विष्णु भगवान का भी होता है, दुर्गा माता का भी होता है और भगवान गणेश जी की भी कुछ लोग पारंपरिक तौर पे पूजा करते हैं। हालांकि गणेश जी भगवान केतु के देवता हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास उन पर अटूट है, इस नाते आप बुधवार को उनकी पूजा करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो बुधवार को दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी पर और मूंग के दाने चढ़ाइए, 5 दाने, और फिर ओम गंग गणपते बोलें या गंग 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 का 50 बार उच्चारण करें। आप पाएंगे कि आपका व्यवसाय जगत में आपका परचम लहरा रहा है और आप सक्सेस हो रहे हैं हर क्षेत्र में। आपकी नौकरी में आपको इतनी तरक्की मिल रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है, ये नाम जपने मात्र से ही। विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या विष्णु चालीसा पढ़ें बुधवार के दिन, या विष्णु सहस्र नाम पढ़ें या सुने, आपको इतना लाभ होता है, आपको सुख समृद्धि तरक्की बरकत सब मिलने लगती है। दुर्गा माता के मंत्र जाप भी आपको करने चाहिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें, आपको लाभ होगा। इसके अलावा श्रावण मास है तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण आपको करना चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और बोल के भी कर सकते हैं, आपको लाभ तो होना ही है। माता गौरी की पूजा करें, आपको लाभ होगा। पार्वती चालीसा पढ़ें, आपको लाभ होगा। पार्वती माता के 108 नाम इस दिन आप जपते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है, और भगवान भोलेनाथ के भी 108 नाम जपते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। 108 नाम किसी भी देवी देवता के आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाते हैं। हमने भी अनेक देवी देवताओं पर 108 नाम वाली वीडियो बनाई है, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन YouTube पर आसानी से मिल जाती हैं 108 नाम वाली वीडियो, उनको आपको जपना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और ये यंत्र आपको स्थापित करना है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, धन संपदा की दिशा होती है, तो उत्तर दिशा की तरफ इस यंत्र को स्थापित करें। आप लैमिनेट भी करा सकते हैं और ये इस यंत्र का विधिवत पूजन करें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। यंत्र को भी पत्ते अर्पित कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। किसी भी शुभ पत्ते को अर्पित करिए, आपको लाभ होगा, जो पूजा पाठ के काम में आते हैं। आप बिलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा और आपका बिजनेस चमकेगा और रोज़ाना किसी न किसी माध्यम से आपके पास पैसा आएगा, आपकी तरक्की और बरकत होनी निश्चित है। थैंक यू सो मच।